देखिए मैं एक आलू क्रश कर रही हूँ पकौड़ा बनाने के लिए। कैबेज को क्रश कर रही हूँ, क्रश करके अच्छी तरह से तीन चार पानी धो ली हूँ। और अब इसमें मिर्चा काट रही हूँ, हरा मिर्च। और इसमें चार मिर्च हरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ और ये कैबेज क्रश करके रखूँ, इसको मिला रही हूँ। इसमें मसाला डाल रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मरी जीरा, थोड़ा सा प्याज काट के रखी हूँ वो डाल रही हूँ। बेसन इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा चावल का आटा डाल रही हूँ दो चम्मच, अनुसार नमक। और अब इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। और ये देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, अब इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब इसमें मैं पकौड़ी डाल रही हूँ, कैबेज और आलू प्याज का। तल गया है पकौड़ा, अब इसको पलट रही हूँ। पकौड़ा मेरा अच्छी तरह से तल गया है, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। कैबेज का पकौड़ा चिल्ली सॉस के साथ तैयार है, टेस्टी और कुरकुरे। आइए आप लोग भी खा लीजिए।